क्या हाल है दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल काइजन पे। मैं हूं क्षितिज गुगलानी और ये है 2 मिनट ट्यूसडे का नाइन्थ एपिसोड। कैन यू बिलीव इट, मैं 9 हफ्ते से हर ट्यूसडे एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें एक स्मॉल मैसेज है जिससे आप एक वैल्यू गेन कर सके। तो दोस्तों, आज का मेरा मैसेज है बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो पब्लिक करी है जो मैंने प्राइवेट करी हुई थी पहले, दैट वॉज अबाउट द बेस्ट habit for happiness, that is gratitude only. And this video also I am sharing something जो मैं एक साल से कर रहा हूँ। ये practice दोस्तों एक practice है जो मैं एक साल से 14 November 2018 से कर रहा हूँ, और 14 November 2019 अभी निकला है, आज है 19 November 2019। तो ये practice है, जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो रेगुलर वॉशरूम एंड नहा के एंड वर्कआउट मेडिटेशन करने के बाद जब भी मैं टेबल पे बैठता हूँ, आई डू दिस वन थिंग, दैट इज़ इन माय काइजन जर्नल जो है मेरे पास। तो इसमें मैं लिखता हूँ 3 things आई एम थैंकफुल फॉर, एंड यू नो आई एम शेयरिंग दिस हैबिट बिकॉज इट्स नॉट समथिंग दैट आई हैव रेड और कहीं पे मैंने सुना है इसके बारे में, मैं तुमको बता रहा हूँ। इट्स समथिंग दैट आई हैव एक्सपेरिमेंटेड विद, आई हैव डन इट माई सेल्फ, एंड नाउ आई एम शेयरिंग दिस विद यू एक साल के बाद जब मैं ये खुद अप्लाई कर चुका हूँ। तो दोस्तों, मैंने हर रोज़, जैसे आप देख सकते हैं, 365 डेज ऑफ थैंकफुलनेस, 14 नवंबर 2019। तो हर रोज़ मैंने 3 things लिखी हैं जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। छोटी सी छोटी की, मेरे पास कपड़े हैं पहनने को, मेरे पास खाना है, मेरे पास पानी है पीने को, मेरे पास एक बेड है सोने को, इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स कि मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। बिकॉज जब मैंने ये लिखा, मैंने अपने माइंड सेट में चेंज देखा कि मैं जो छोटी चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उससे और ज़्यादा अच्छी चीज़ें मेरी लाइफ में आ रही है, और ज़्यादा अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में। तो दोस्तों, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो सीक्रेट बुक है रोंडा बायन, दैट्स क्वाइट अमेजिंग, क्वाइट इम्प्रेसिव, एंड वो असली में सच है। तो दोस्तों, वट ग्रैटिट्यूड डज इज इट बूस्ट योर हैप्पीनेस। जब तुम देखोगे कि तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी इतना कुछ है, यार ये थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, 2 मिनट ट्यूसडे की मेरे ख्याल तो 5 मिनट्स हो जाएगी ये, तो जस्ट नो दैट ग्रैटिट्यूड बूस्ट योर हैप्पीनेस बाय 10%। एंड जब भी तुम किसी नेगेटिव स्पेस में हो, इट एक्चुअली क्रिएट्स अ पॉजिटिव स्पेस कि हाँ यार चलो इतना अच्छा तो हो रहा है। तो जब भी मैं किसी बैड सिचुएशन में होता हूँ ना, तो दोस्तों मैं हमेशा सोचने लग जाता हूँ कि हाउ कैन आई बी थैंकफुल फॉर दिस, हाउ दिस सिचुएशन हैज़ एडेड वैल्यू, सम वैल्यू, और आई हैव लर्न समथिंग, आई हैव ग्रोन फ्रॉम दिस सिचुएशन और जो भी हो रहा है। तो दोस्तों, क्योंकि लास्ट ईयर 14 नवंबर 2018 आई वॉजेंट इन अ वेरी गुड स्पेस, मैं इतने अच्छे माइंडसेट में नहीं था जितना मैं अभी हूँ, मेरे पास इतनी ज़्यादा अबंडेंस नहीं थी जितनी अभी है, और मेरे रिलेशंस भी इतने अच्छे नहीं थे जितने अभी हैं। तो मैंने ये नोटिस किया है, ये मैंने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किया और मेरे साथ हो रहा है, तो मैं तभी के लिए तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सच है। तो दोस्तों, तभी के लिए मैं कह रहा हूँ, तुम भी हर रोज़ जब भी तुम उठते हो, जस्ट 3 things यू आर थैंकफुल फॉर, राइट इट डाउन इन अ नोटबुक, 3 things, गिव मी जस्ट 3 things। तो एक साल बाद आई एम अर्निंग मनी, आई एम लर्निंग मोर, आई एम ग्रोइंग मोर, आई हैव बेटर रिलेशनशिप्स विद माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, माई लव पार्टनर्स, एंड like so many things have happened, so many grateful, great things have happened in the past 1 year because of this small practice. ये एक छोटी सी चीज़ है, but लोग इसको नहीं prioritize करते, and I encourage you कि आप commit करो कि 19 November से मैं ये continue कर रहा हूँ, I am not stopping this. See, I have written here, see, यू कैन सी कि 14 नवंबर तो निकल गया है, 14 नवंबर के बाद में 15 नवंबर, 16, 17, 18, 19 का मेरे को आज लिख, मैं आज भूल गया, बट हाँ मैं लिखूँगा 19 नवंबर। एवरी डे आई विल राइट 3 things दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू गाइज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग मी द चांस टू इम्प्रूव यू, एंड दैट इज मोर देन एनफ।
लाइक जब भी कोई नेगेटिव थिंग है मैं ये बोलूँगा कि मेरे पास ये तीन चीज़ें हैं, चलो ये तो अच्छा चल रहा है और बाकी चीज़ें वो मैं मेहनत से कमा लूँगा, मैं वो अचीव कर लूँगा खुद ही। और एक और चीज़, अब जब तीन चीज़ें मैं मिनिमम, मैं तीन से ज़्यादा पाँच छः कई बार 10 भी लिख देता हूँ चीज़ें इधर थैंकफुल में, तो अब जब एक साल बाद 365 डेज बाद एटलीस्ट मेरे पास थ्री थिंग्स है थैंकफुल होने के लिए, तो 3 × 365 इज एटलीस्ट 1200 आई थिंक, मेरे ख्याल 1100, सो आई हैव 1100 पता कितना होता है 1100 थिंग्स दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर, सो आई एम रिच। मनी इज नॉट द ओनली एस्पेक्ट इन लाइफ दैट विल क्रिएट रिचनेस, रिचनेस इज क्रिएटेड हेयर इन द माइंड सेट, इन योर साइकोलॉजी। इफ यू आर पुअर बाय योर साइकोलॉजी, इफ यू आर नेगेटिव बाय योर साइकोलॉजी, हाउ कैन यू बी रिच इवन इफ यू हैव मनी? सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि टू लिव अ सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ, राइट थ्री थिंग्स यू आर थैंकफुल फॉर, जो तुम्हारी लाइफ में अच्छी चल रही है कमिट करो, यू विल सी कि कितनी अबंडेंस आ रही है लाइफ में, कितनी ज़्यादा अबंडेंस आ रही है। एंड आई एम रियली लिविंग प्रूफ ऑफ दिस कि तुम अगर तुम थ्री थिंग्स यू आर थैंकफुल फॉर लिखोगे हर रोज़ तो एक साल बाद चेंज देखोगे। एंड अभी मैंने जय शेट्टी का लाइव सेमिनार भी अटेंड किया, लाइव सेमिनार था उसका फेसबुक पे, तो वो भी अटेंड किया था, उसमें उसने ग्रैटिट्यूड पे बोला था, सो ही सेड दैट ग्रैटिट्यूड अलाउज अस टू रीफ्रेम थिंग्स, व्हेन वी सी थ्रू द लेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड वी सी क्लियरली, कि जब हम, क्योंकि हम एक ऑटोमेटेड फिल्टर से देखते हैं वर्ल्ड को कि हाँ दुनिया ऐसे चलती है ऐसे चलती है, बट अगर हम ग्रैटिट्यूड के फिल्टर से देखेंगे कि हाँ यार इसमें भी अच्छा मैं ढूंढ सकता हूँ, इसमें भी अच्छा ढूंढ सकता हूँ, इसमें क्या अच्छा है बताओ मेरे को, इससे मैं क्या लर्न कर रहा हूँ, वाओ दिस इज सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल कि ये हो रहा है मेरी लाइफ में, तो कोई भी सिचुएशन है आस्क योरसेल्फ हाउ कैन आई बी ग्रेटफुल फॉर दिस। व्हेन यू सी थ्रू द लेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड यू सी क्लियरली, यू सी ग्रेटफुली, यू सी सो गुड, पुट ऑन द ग्लासेस ऑफ ग्रैटिट्यूड, दैट इज माई मैसेज फॉर टूडे। 2 मिनट्स का था बट 7 मिनट हो गया, दैट इज इट फॉर टूडे। रिमेंबर ऑल द वर्ल्ड स्ट्रेंथ एंड पावर इज विद इन यू, यू कैन अचीव एनीथिंग यू वॉन्ट इन दिस लाइफ, दिस इज माई डिजाइन। नमस्ते, थैंक यू।